कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। उनके साथ कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी होंगे। दोनों नेता दिल्ली से सुबह 10 बजे एक स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जाएंगे क्योंकि दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की वजह से हैदराबाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, एबीवीपी कार्यकर्ता सुशील कुमार और उसके भाई विष्णु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी से निष्कासित होने की वजह से रोहित ने आत्महत्या कर ली थी और ऐसा भी कहा जाता है कि रोहित पर कार्रवाई के लिए बंडारू दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बंडारू दत्तात्रेय को हटाने की मांग करेगी और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है और इसी के लिए राहुल गांधी का ये कार्यक्रम बना है क्योंकि कल इस मुद्दे की आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ था। जेएनयू की एक छात्र इकाई ने दिल्ली में छात्र के आत्महत्या के समर्थन में और बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ प्रदर्शन किया था। तो कांग्रेस अब छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर जा रही है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद जाने की बात कही है। बात सामने आ रही है, सुबह 10 बजे वो रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह भी उनके साथ होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी जा रहे हैं हैदराबाद। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।